बहुत बैड। और बहुत गौ माता को क्योंकि जो सड़कों पर चलती हैं वो प्लास्टिक खा लेती हैं, उनके पेट में कैंसर हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में एक साधारण अकिंचन कार्यकर्ता के मन के संकल्प से और भाई कमलेश जी से लेकर के पतंजलि के सारे कार्यकर्ताओं की श्रद्धा से ये इतना बड़ा कार्य हो गया है। इतना बड़ा कार्य अल्प संसाधनों में मुझे लगता है पूरे भारत में ये सबसे बड़ा कीर्तिमान है साधारण कार्यकर्ताओं के द्वारा असाधारण सेवा का। और प्रारंभ में 4-5 साल तो लोग देखते हैं कि ये करेंगे क्या, देखते हैं चलो, फिर कहते हैं कि इसने तो अपना पूरा सर्वस्व इसमें न्योछावर कर दिया, इस आदमी को तो मदद करनी चाहिए। जैसे भाई कमलेश जी ने कहा, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 5,000 रुपए, फिर 10,000, किसी ने 1,00,000 रुपए दिए, फिर कुछ ने 20-25 लाख भी दिए, कुछ ने दान दिया था, किसी ने शुरू में कि ये अब इतनी सेवा कर रहा है और गौ माता की ये दयनीय दशा तो देखी नहीं जा सकती, तो उन्होंने हाथ बढ़ाया। और उसके बावजूद भी मुझे पता है कि अभी भी गौशाला में जो जितना ये निर्माण हुआ सब कुछ हुआ उसमें पूज्य ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी मुझे बता रहे थे अभी भी कर्जा तुम्हारा कितना जो लोगों को उधारी देना है करीब 4.5 करोड़ रुपए अभी भी कर्जे में कर्ज लेकर के भी गोमाता की सेवा का फर्ज निभाने का ये भी एक ये तो यहां पर गो भक्त सरकार आ गई, राष्ट्रभक्त सरकार आ गई। और इसमें भी हमारे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, हमारे नीलकंठ जी, प्रवेंद्र जी जैसे ऐसे गौ माता को अपना सर्वस्व मानने वाले, भारत माता की पूजा में, गौ माता की पूजा में अपने जीवन की धन्यता मानने वाले अच्छे सात्विक आत्मा मिल गए। एक बार हमारे नीलकंठ जी से लेकर परमिंदर जी से लेकर क्या नाम है प्रविंदर जी से और हमारे एमएलए साहब और हमारे मंत्री हैं जो है ये सब गौ माता की और सब पशुपालन के मंत्री हैं, तो और मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आते रहते हैं। एक बार हम सरकार की सद्भावना और सहयोग के लिए अभिनंदन करते हैं, इतनी बड़ी दिशा का लाते हैं। जमीन नहीं होगी तो गाय चरेगी का, और गाय घूमेगी नहीं, चरेगी नहीं तो बीमार होगी। अब इतनी गायों के लिए भूमि की भी आवश्यकता थी, तो उसके लिए अभी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो चुका है। लगभग 10 एकड़ जमीन जो है सरकार इसके लिए लीज पर दे रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये बहुत बड़ी सेवा है। 3 अर्थों में मनुष्य की सेवा भी नर को नारायण का रूप कहा है, लेकिन गाय में तो सारे देवताओं का वास है। हम आदमी की सेवा करते हैं, मैंने कितने लोगों का लिवर किडनी फेलियर से, हार्ट फेलियर से उनको बचाया, मौत के मुहाने से उनको वापस लेकर के हमारे कैंसर से बचाया, लेकिन मैंने देखा मनुष्य जो है उसकी सेवा करने के बाद कभी वो राजसिक और तामसिक भी हो जाता है, कभी कभी मनुष्य जो है वो पाप भी करने लगता है। मनुष्य की सेवा करो तो वो विध्वंसक भी हो सकता है मनुष्य। जितने भी आतंकवादी हैं ये भी तो उपचार लेते हैं, इनके भी ये भी दवा खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर वो अपना विध्वंस करते हैं। मनुष्य की सेवा से भी बड़ी गोमाता की सेवा इसलिए है कि गोमाता इस धरती माता का कल्याण करने के लिए कभी भी अहित नहीं करती, कैसी भी परिस्थिति। एक बात, एक मनुष्य की सेवा करते हो तो एक आत्मा का लाभ होता है, जो हमारा विश्वास है। अब इस विश्वास के पीछे
कितनी बड़ी परंपरा है, कितने बड़े कारण है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन इतनी बात तो जरूर है, जब हमने कोटि कोटि देवी देवताओं का वास गोमाता में अनंत काल से माना है, तो इसका कोई ना कोई भौतिक कारण से परे कोई आध्यात्मिक अदृष्ट अमूर्त कारण जरूर है। इसलिए लोग माने या ना माने, किसी की मानने ना मानने की बात नहीं, ये श्रद्धा अश्रद्धा की बात नहीं, इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है, लेकिन जिसने गोमाता की सेवा की है उसका जीवन में सब प्रकार से उद्धार और कल्याण गोमाता ने किया है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, बाबा जी आपने कौन कौन से तीर्थ और कौन कौन से पुण्य किए हैं, कि आप योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, सनातन संस्कृति की सेवा में इतना बड़ा कीर्तिमान गढ़ पाए। तो मैंने अपने जीवन को टटोला चारों ओर से, खूब उसमें खोजने की कोशिश की कि मैंने आध्यात्मिक तौर पर, जिनको पारमार्थिक तत्व बोलते हैं, उनके तौर पर कौन कौन सी साधनाएं की। हम तो बचपन से ओंकार गायत्री के उपासक रहे, तो सेवा किसकी की, वो तो उपासना की। हमने मात्र कर्मकांड के तौर पर हवन किया और सेवा के तौर पर गुरुकुल में पढ़ने से लेकर के और आज तक गोमाता की सेवा करते हैं। और मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, ये गोमाता की सेवा ना, ऐसे आप इसको कि गाय माता की हमने सेवा कर दी और ये गाय भूखी मर रही थी, सड़कों पर घूम रही थी, वो तो मनुष्य की अपनी गलती है। क्या हम अपने किसी बूढ़े माँ बाप को घर पे छोड़ सकते हैं? क्या अपने घर में कोई बेबस लाचार हो जाए, बीमार हो जाए, उसको ऐसे घर से धक्का मार के निकाल सकते हैं? ये गोमाता की जो हमने, और ये गोमंतक प्रांत तो गोमाता के कारण से, गोवा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो यहाँ पर भगवान परशुराम जी, ऋषि परशुराम और गोमाता, इसके अलावा हमारे इस गोवा का गौरव क्या, जो गोवा का गौरव है उसको सुरक्षित संरक्षित रखते हुए उसके संवर्धन की का जो कार्य हमारे भाई कमलाकांत जी ने, कमलेश जी ने, पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने किया, इसके लिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन। और ये तो बहुत पुण्यदायी कार्य है और ये फलीभूत हो रहा। आप जितने भी दाता हो ना, देखो गो माता के सेवा से आपको सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, गो माता में जो अनंत कोटि देवता मानते हैं उसकी कई बार ऐसे फोटो भी लोग बनाते हैं कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सारे ऋषि मुनि उसमें बना देते हैं, राम कृष्ण शिव, और इसके पीछे के हेतु भी देते हैं, तो सबको ये गो माता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और देखो गोमाता की जो तृप्ति है ना, वो हमें